हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जॉडियक रीडिंग में हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली पे बहुत फोकस रहेगा आप लोगों का। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये मंथ कुछ ऐसा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी फैमिली पे अटैक करती हैं, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि इस मंथ ना आप लोग आपकी फैमिली की शील्ड बन के रहोगे। एक कहते हैं ना कि ढाल बनना, अपने ऊपर ले लेना सारी चीज़ों को। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि अगर कुछ लोग की इंटेंशंस आपकी फैमिली को लेके, आपके परिवार वालों को लेके सही नहीं है, आपके छोटे भाई बहन हो या फिर कुछ भी हो, तो यहाँ पर इस मंथ ऐसा रहेगा जैसे आप उनकी शील्ड बन के रहोगे। आपकी फैमिली की, अपने फैमिली के जो भी मेम्बर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करोगे, उनका ख्याल रखोगे, उनके लिए कंसर्न रहोगे। साथ यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी है जो ये कह रही है कि इस महीने आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। आप लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, आई थिंक आप लोग चाहते हो कि आप लोग फाइनेंशियली सिक्योर हो। यहाँ पे ना कुछ हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी फैमिली में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो, तो इसलिए जैसे यहाँ पे आप एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हो, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि देखो अपने रेस्ट का भी ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना। काम करना ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, थक के बीमार पड़ जाओगे ना, तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। और देखते हूँ यहाँ पर आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। जेमिनी, जस्टिस, मैंने कहा ना फैमिली की शील्ड बन के रहोगे। टेन ऑफ वॉन्ट्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, ओके। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि देखो जिस तरीके से आपने चीज़ें सोच रखी हों, जिस तरीके से आपने चीज़ें प्लान कर रखी हों, चीज़ें वैसे ही हों। अगस्त के मंथ की भी जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसी ही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने सोचा है, जो आपने जिस तरीके से प्लान कराए चीज़ें वैसे ही हों। आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, चीज़ों के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है तो ये कह रहा है कि देखो जस्टिस, देखो ये कार्ड ना मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आपको जस्टिस मिलेगी। यहाँ पे ये कार्ड मेरे लिए कर्मा का है कि जिस टाइप के आप कर्मा करोगे आपको उस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी गलत कदम ना उठाएं, किसी को भी बुरा ना बोलें, किसी के लिए भी गलत इंटेंशन अपने मन में लेके नहीं आएँ, फेयर रहें, चीज़ों को फेयर रखें अपनी लाइफ में। और अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, इस बात का विश्वास, फेथ यूनिवर्स पे अपने ऊपर ज़रूर रखें, ठीक है। ये जस्टिस सबके लिए एक बराबर है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज़ हैं और यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज़ हैं। सो हो सकता है कि आपने कुछ आइडिया आपके मन में आया हो, आप किसी चीज़ के पीछे काम कर रहे हो लेकिन वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा हो और आप परेशान हो रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगेन वही कि खुद के ऊपर भरोसा आपको रखना है, पॉजिटिव आपको रहना है, ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना है। कोई ना कोई हो सकता है कि फ़ीमेल आपको ज़रूर हेल्प करें, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प ज़रूर मिले। आपके कैरियर के लिए मैं बात कर रही हूँ और कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगा, कुछ ना कुछ नई शुरुआत तो होगी, लेकिन नई शुरुआत भी तब होती है जब कुछ एंडिंग होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि आपने कोई आइडिया सोचा वो उस तरीके से वर्क नहीं करा लेकिन कोई और न्यू आइडिया आपको आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं कुछ इस टाइप की सी हैं। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो मैंने आपको बोला ही कि आपको हेल्थ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोझ, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन अपने कंधों पर मत लीजिए। ज़रूर आप लोग का ऐसा वो है कि आप लोग ना बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेते हो, चाहे आपके घर की बात हो चाहे आपके ऑफिस की बात हो। यहाँ पे कहा जा रहा है देखो अपनी लिमिट रखो कि आप कितना कर सकते हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लोगे तो अगेन वही एनर्जी ना कि परेशान हो जाओगे, नहीं संभाल पाओगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपसे कि आपको ख्याल थोड़ा सा मैनेजमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए। और मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लव लाइफ थोड़ी सी होल्ड पे पड़ी है। चीज़ें ना आगे बढ़ रही हैं ना कुछ, जैसे समझ, जैसे कहते हैं ना एक होल्ड पे, एक साइलेंट मोड पे चले जाना, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा होल्ड पे पड़ी है। कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है, कुछ नेगेटिव भी, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव लाइफ का आपका मैं नहीं देख रही कि इम्पैक्ट कुछ चला, कुछ भी ऐसा है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड देख लेती हूँ आप लोग के लिए। जेमिनी, मिथुन राशि, गॉडेस ऑफ द मून, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देखो एक ऐसा है कि अगर मन में सोच लोगे, जैसे सोच लिया कि जीत गए हैं, जीत गई हूँ मैं या जीत गया हूँ मैं, तो जीत जाओगे। और अगर मैं इनसे पहले ही हार जाओगे तो हार जाओगे। मेरे कहने का मतलब समझो, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी माइंड है, जो भी आपका, एक कहते हैं ना कि हौसला होना चाहिए अंदर, कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने अंदर हौसला होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे वही कहा जा रहा है कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, अगर मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, अगर अपने मन को आप तैयार रखेंगे तो आप उस सिचुएशन से इजीली निकल जाओगे। अगर आप ये मानोगे कि आप नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते ही रहना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये पहले ही मान लिया कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके साथ, सब कुछ आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, तो फिर चीज़ें वैसे ही होंगी। मेरी बात समझना, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है, आपके माइंड प्रोग्रामिंग का। ये मंथ ऐसा रहेगा कि अपनी माइंड प्रोग्रामिंग अच्छे से करिएगा। ओके, कुछ और गाइडेंस ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। जेमिनी, मिथुन राशि, क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये फोर ऑफ सॉर्ट्स की भी यही एनर्जी है कि थोड़ा सा आपको वक्त अकेले बिताने की ज़रूरत है। एक होता है ना सेल्फ़ ऑब्जर्वेशन करना, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। जैसे भीड़ में भागे जा रहे हो, भीड़ में भागे जा रहे हो, हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा मतलब रुको, भीड़ में भागने से पहले रुको और देखो कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें गलत हो रही हैं, और उसके बाद डिसीज़न लो। आपका माइंड को रेस्ट नहीं मिलता होगा, कंटिन्यूसली सोचते रहते होंगे कुछ ना कुछ, नहीं तो सो भी जाते होंगे तो ड्रीम्स आते रहते होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग मेडिटेशन करें, मेडिटेट करें, ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन पैशन का, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हर्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए कि आपके दिल के डिज़ायर क्या है, आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका जो आपकी जो सोल है, आपका जो दिल है ना, आपको किस डायरेक्शन में बार बार ऐसे कहते हैं ना कि पुश करता है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने दिल की आपको सुननी है, आपका जो भी अंदर आपके पैशन हो, अपने पैशन पे आपको काम करना है और इसी से आपको खुशी मिलेगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।